बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ रहता है और वे लोग उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके उससे कुछ रिटर्न भी जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव और हाई रिस्क की वजह से वे लोग अपने पैसों को बैंक में या फिर घर में रखना ही ज़्यादा सेफ समझते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक में आप अपने पैसों को रखवा के उस पैसों से रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका ये पैसा सेफ भी रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट का सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर फिक्स करवाने का ऑप्शन मिलता है और ये फिक्स अमाउंट मिनिमम 1000 रुपये भी हो सकती है और वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा की FD करवाने पर कैश ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना होता है और अगर आप FD में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, तो इस बात को ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। और वहीं फिक्स टाइम की बात करें तो यहां आपको अपने पैसों को 7 दिन से 10 साल तक की अवधि तक फिक्स करवाने का मौका मिलता है। और एक FD के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 7% से लेकर 9% तक का सालाना इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा, जहां इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम FD में अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि हम अपने पैसों को बैंक में जमा करके भी उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक आपको सिर्फ 3 से 4% तक का सालाना इंटरेस्ट ही देगी, लेकिन वहीं FD में आपको मिनिमम 7% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। तो ये वजह होती है FD में पैसा लगाने की। तो चलिए अब इसके इंटरेस्ट रेट को एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपको FD के बारे में और भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप खुद ये डिसाइड कर पाए कि FD में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपये की एक अमाउंट है जिसकी ज़रूरत आपको अगले 3 या 4 साल तक नहीं पड़ने वाली है और इस वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है आप उसी बैंक में 50,000 रुपये की अमाउंट का FD 3 साल के लिए करवाना चाहते हैं और आपका बैंक आपको FD पर 7% का सालाना इंटरेस्ट दे रहा है। तो चलिए मैं अब आपको एक वेबसाइट के जरिए ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको 3 साल बाद फाइनल अमाउंट कितना मिलने वाला है। सो, इसके लिए हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं FD इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर। इसके बाद FD इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी वेबसाइट है वो सारी वेबसाइट की लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने भी ओपन हो जाएगी। सो, इनमें से हम किसी एक वेबसाइट को ओपन करके एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। सो, मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर सभी डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह में यहाँ पर हम 50,000 कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो परसेंटेज वाइज जो ईयर है, जो एनुअली रिटर्न्स है, वो हम यहाँ पर 7% कर देते हैं। इसके बाद टाइम यानी कि जो भी ईयर है वो हमारा 3 ईयर था, इसलिए हम यहाँ पर 3 ईयर एंटर कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल बाद हमें जो फाइनल अमाउंट मिलने वाला है वह है 61,572 रुपये, यानी कि हमें यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट पर 11,572 रुपीज़ का रिटर्न मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर 50,000 की अमाउंट में 3 साल बाद 11,000 रुपये का रिटर्न मिलता है। सो, चूँकि हमने यहाँ पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट रखा था, जस्ट आपको समझाने के लिए 50,000 रुपये का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आपको दिया था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग मैक्सिमम टाइम के लिए 5 साल 6 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर 5 साल कर देते हैं और हम यह चेक करते हैं कि 5 साल बाद हमें सेम अमाउंट पर, सेम ईयर ऑफ रिटर्न पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है 5 साल बाद। सो, मैं यहाँ पर 5 साल एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें 5 साल बाद 50,000 रुपये की अमाउंट पर अगर हमें 7% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में हमें यहाँ पर 5 साल बाद 70,729 रुपये का अमाउंट मिलेगा, यानी कि हमें 20,739 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा अपनी कैपिटल पर, यानी कि हमने यहाँ पर 5 साल में 40% का रिटर्न जनरेट कर लिया। 40% का रिटर्न हमें 5 साल में मिल गया।
तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो 50,000 रुपये का जो अमाउंट है, ये अमाउंट अगर हमारे घर में रखा हुआ रहता है तो 5 साल बाद इसकी कीमत 50,000 रुपये रहती है। लेकिन हमने इसको FD में इन्वेस्ट कर दिया है, इस वजह से हमें यहाँ पर 20,000 रुपये का रिटर्न भी मिल गया। इसकी वजह से लोग FD में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर दो फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपका सेफ रहता है, गारंटेड ये अमाउंट सेफ रहता है। और दूसरा फायदा कि आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से FD में पैसा इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो लोग बिना किसी रिस्क के अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ FD करवाने का बेसिक सा फायदा है। लेकिन इन सब के अलावा FD करवाने के और भी कई सारे फायदे हैं जिसको आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। इमरजेंसी फंड, FD में पैसा लगा के आप एक तरह से अपने लिए इमरजेंसी फंड रेडी कर रहे हैं जिसको आप किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 50,000 रुपये की FD 3 साल के लिए करवा दिया है, लेकिन अगर किसी तरह की इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो उस केस में आप 3 साल से पहले उस FD को तुड़वा सकते हैं। लेकिन इस केस में प्री मेच्योरिटी विड्रॉवल के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग बैंक में यह अलग अलग चार्ज होता है। अमूमन यह चार्ज 1% तक हो सकता है। FD की इसी खासियत के चलते इसे लिक्विड निवेश भी कहा जाता है। सेकेंड लोन, FD की एक खासियत यह भी है कि आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत आ गई है तो आप बिना FD को तुड़वाएं, आप इसके बदले लोन ले सकते हैं। आमतौर पर जितने रुपए की FD होती है उसका 90% तक लोन के रूप में आसानी से मिल सकता है। फिक्स इंटरेस्ट का फ़ायदा, FD पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव का असर नहीं होता है। एक बार आपने जिस इंटरेस्ट रेट पर FD करवा लिया है वह आपको गारंटेड मिलेगा। इस दौरान अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो भी आपको ब्याज दर सेम ही मिलेगा। और वहीं दूसरी स्थिति में बैंक अपनी ब्याज दर को बढ़ा देती है तो निवेशकों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका रिटर्न पहले से ही फिक्स रहता है। FD के कई ऑप्शंस, FD में निवेश के कई ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप अपनी रकम और समय के मुताबिक FD करवा सकते हैं। आमतौर पर FD 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए करवाई जाती है। तो ये तो भी FD करवाने के फायदे के बारे में जानकारी। लेकिन इसके अलावा FD में पैसा इन्वेस्ट करने के कुछ नुकसान भी है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि किसी भी FD में आपका पूरा पैसा सुरक्षित नहीं होता है। जी हाँ, आपको शायद यह बात मालूम नहीं हो कि FD का पूरा पैसा सुरक्षित नहीं होता है। वैसे तो यह सेफ ऑप्शन है और यहाँ से आपके अमाउंट में किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। लेकिन आपने जिस बैंक में या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से FD करवाया है अगर वह डिफॉल्ट हो जाए और किसी वजह से वह बंद होने के कगार पर आ जाए तो उस केस में आपका केवल 5 लाख का निवेश ही सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आपने 5 लाख से अधिक की अमाउंट का FD करवाया है तो आपको 5 लाख तक का अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन उससे अधिक अमाउंट शायद आपको ना मिल पाए। तो इस केस में अगर आप 5 लाख की अमाउंट से अधिक का अमाउंट FD करवा रहे हैं तो ऐसे में आप 2 या 3 जगह या 3 अलग अलग बैंकों में अपना FD अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको FD से रिलेटेड सभी बेसिक जानकारी दे सके हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में FD से जुड़ा कोई और क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।